गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, इंजॉइंग गुड हेल्थ एंड लर्निंग एट होम्स। आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर अरुज यूनस। एंड एज यू ऑल नो इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डन द रीडिंग ऑफ वी ऑल चेंज, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम बदल जाते हैं, हमें चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस किस तरह आते हैं, हमारी हाइट में, हमारे वेट में। आपको पता है जब एक बेबी पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है ना, क्यूट सा, और लेकिन टाइम के साथ साथ बेबी में चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर बेबी गर्ल है तो वो ग्रो हो जाएगी, जैसे कि अब आप देखते हैं कि कुछ टाइम पहले आप जब पैदा हुए थे आप छोटे से बेबी थे, अब आप गर्ल हैं एक। उसके बाद फिर अगर आपकी इसके बाद आपकी और ग्रोथ होगी तो आप एक लेडी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में ये फेजेस आते हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारी हार्ट और हमारे वेट में चेंजेस आते हैं, हमारी एज में चेंजेस आते हैं। अभी जैसे अगर लेट्स सपोज आप 10 इयर्स के हैं तो थोड़े टाइम एक साल बाद आप 11 इयर्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, ये हमारे चेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख भी सकते हैं, बेबी गर्ल है, ये गर्ल है, शी इज़ अ लेडी एंड शी इज़ अ ओल्ड वुमेन। तो इस तरह से ये हमारी लाइफ के फेजेस हैं जो आते हैं लाइफ में। और आपको आगे एक चार्ट के थ्रू भी शो किया गया है, अ बेबी बॉय ग्रोज इनटू अ मैन। ये देखें, अ बेबी बॉय है, ये उसकी लाइफ के जो फेजेस हैं वो आपको दिखाए गए हैं, वो एक मैन में। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम अपनी लाइफ के ऐसे फेज भी आते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू लुक एट ओल्ड पिक्चर्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यू विल सी दैट दे लुक डिफरेंट व्हेन दे वर यंगर। जब वो जवान थे, अगर आप पिक्चर्स देखिए अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी नाना नानी की, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी डिफरेंट थे जब वो अपनी यंग एज में थे। और फिर हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा था कि हमारी जो वेट है, जो हाइट है, वो हम मेजर कर सकते हैं। दीज मशीन्स कैन शो योर ग्रोथ, वेइंग स्केल एंड हाइट स्केल। And today we are going to do the long question of unit 4, our past and our present. Lesson name is We All Change. हम इसके long question करने लगे हैं। You have to do it on your social studies corpus. So say, take out your social studies corpus and first you have to draw margin line. आप margin line draw करेंगे, उसके बाद आपने ये long question करना है। इसका एक ही long question है, आपने unit name लिखना है, lesson name लिखना है, long question लिखना है, और इस तरह से आपने अपना काम करना है proper way में। Question number 1 is, and list 5 ways in which you have changed since you were baby. अब आपने बताना है कि जब से आप बेबी थे और अब तक आप में क्या चेंजेस आए हैं। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम में किस तरह के चेंजेस आते हैं, तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। नंबर 1, गेन वेट। अब एक बेबी का वेट और एक ग्रोन अप गर्ल का वेट डिफरेंट होता है ना, या बॉय का, तो गेन वेट और हाइट में भी आपकी जो है चेंज आता है, बिकेम टॉलर। नंबर 3, हैंड्स ग्रो बिगर। आपके हाथ भी तो बड़े हो गए ना, जैसे आप देखते हैं बेबी के जो हाथ होते हैं वो कितने छोटे से होते हैं। नाउ नंबर 4, लेग्स ग्रो लॉन्गर। बेबी की जो लेग्स होती है छोटी छोटी सी होती हैं, जब आप अपना हाइट निकालते हैं तो आपकी लेग्स भी जो हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं। नाउ नंबर 5, लर्न टू वॉक। आप चलना सीख लेते हैं, बेबी जो है वो चल तो नहीं सकता ना, बेबी आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखते हैं ना, ये तो ये चेंजेस हैं जो हम में आते हैं। कितना इजी सा हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से प्रॉपर लिख कर नीट एंड क्लीन आपने इसको याद करना है एंड लर्न स्पेलिंग्स एज वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।